फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट वाले क्रंची और करारी से फ्रेंच फ्राई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं, जिसको बच्चों को लंच बॉक्स में दें, खुद खाएं और कोई मेहमान आए तो फटाफट इसे बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही झटपट ये फ्रेंच फ्राई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार हो जाती है। अगर आप मेरी वीडियो पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बनाने के बाद ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी फ्रेंच फ्राई कैसे बन के तैयार हुई है। स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को देखिएगा, तभी हमारी फ्रेंच फ्राई की रेसिपी आपको इजीली पता हो जाएगी और आप अपने घर पर बना के भी ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू। इसको हम मोटे मोटे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करेंगे। जो रेस्टोरेंट में हमारा शेप दिया जाता है फ्रेंच फ्राई का, बिल्कुल उसी शेप में हम इसको कट कर देंगे। देख सकते हैं हम आलू को इस तरीके से लंबे लंबे कट कर दिए हैं, इस तरीके से जैसे हमें मार्केट में मिलती है ना फ्रेंच फ्राई, वैसे बिल्कुल उसी शेप में हमें इसे कट कर देना है। अब इसको हम बॉयल कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर डाला है आलू और कुछ थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि हमारे आलू को बॉयल करने के लिए थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होगी और तभी हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, जो हमारे फ्रेंच फ्राई करने में बहुत ही हेल्प होगा। 2 से 3 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे करके बॉयल करेंगे, ताकि आलू हमारा अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें फ्राई करने में टाइम लगेगी। जब हमारा आलू गलेगा नहीं तो हमें फ्राई करने में बहुत ही टाइम लगेगी, इसलिए हम आलू को पहले बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा बॉयल करेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक हमारा आलू हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके थे हमारे आलू को बॉयल होते हुए। आलू को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है, ताकि हमें फ्राई करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, वरना बहुत टाइम लग जाती है इसे फ्राई करने में। जब तक आलू हमारा बॉइलिंग में गलता नहीं है ना, तो फ्राई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें आलू को बॉयल करना कंपलसरी हो जाता है। आलू हमारे 3 से 4 मिनट तक बॉयल हो चुके थे, गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। अब हम इसको अलग से बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। आलू भी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका था, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, ये हल्का हल्का सा ये गल गया था। फ्रेंच फ्राई सिर्फ 2 चीज़ से बनती है, एक तो आलू, ऊपर से कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे फ्रेंच फ्राई को कुरकुरे और करारे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है घर के कॉर्नफ्लोर, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमारा जाएगा 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे सारे आलू में अच्छे से हमारा कॉर्नफ्लोर लग जाए, जिससे हमारा फ्रेंच फ्राई बहुत ही करारा और कुरकुरा सा बनके तैयार हो। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से आलू के अंदर कोट कर लिया है, ताकि हमारे आलू को जकड़ के रखे, बिल्कुल भी ये छोड़े नहीं। इसी से हमारे फ्रेंच फ्राई बहुत ही कुरकुरे और करारे से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। अब इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था, तेल भी हमारा अच्छे से हीट हो चुका है। अब सारी फ्रेंच फ्राई जो हमने बना के रखी है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि हम मीडियम फ्लेम पे इसे इसलिए फ्राई करेंगे ताकि हमारा फ्रेंच फ्राई थोड़ा सा कुरकुरा सा बन के तैयार हो, ताकि लूज़ लूज़ सा बन के तैयार ना हो। एकदम कुरकुरा सा बनाने के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारे फ्रेंच फ्राई ना बिल्कुल भी करारे कुरकुरे नहीं होंगे, एकदम लूज से हो जाएंगे और ऊपर से हो जाएगा, अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। 1 मिनट हो गया था हमारे फ्रेंच फ्राई को फ्राई होते हुए। अभी हमारा फ्रेंच फ्राई अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, देख सकते हैं अभी इसका कलर भी थोड़ा कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। अरे हमारे फ्रेंच फ्राई का कलर बिल्कुल गोल्डन आ चुका है, इसका मतलब हमारी फ्रेंच फ्राई बन के तैयार हो गई है। अभी मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी करारी से बनी है। इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, बाकी की जो हमारी बची है इसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। जो मैंने दोबारा डाला था वो भी फ्रेंच फ्राई हमारी बनके तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं मैं कितनी ईजिली तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। बनाने के बाद ही मुझे कमेंट करके बताएंगे। देख सकते हैं इसकी आवाज़ से आपको पता चल लगने वाला है कि हमारे फ्रेंच फ्राई कितने कुरकुरे से बन के तैयार हुए हैं। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, आप इसे 5 से 6 मिनट में मेहमान आए तो इसको बना के झटपट आप उसके पास रख सकते हैं। ये स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है, जैसे टिफिन के लिए भी आप उसे बना सकते हैं।
रेस्टोरेंट कितनी क्रंची से हमारी फ्रेंच फ्राई बनके बिल्कुल तैयार हुई है। रेस्टोरेंट वाले जो हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं खाने के लिए, इसको बनाना कितना ईजी है मैंने आप लोगों ने देख लिया। 4 से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। आप मेहमान आए तो इसे बनाए, इसे खाने के लिए मेहमान आए तो आप इसे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को देख रहे हैं मैंने कितनी कम टाइम में इसको बना के तैयार किया है। आप इसे टेबल में भी ले जा सकती है, बेस्ट ऑप्शन है। बाई स्टेप मेरी वीडियो को देखिएगा, तभी हमारी फ्रेंच फ्राई की रेसिपी आपको इजीली पता हो जाएगी और आप अपने घर पर बना के भी जरूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हमारी फ्रेंच फ्राई बनके तैयार हुई है। इसी तरीके की मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।